विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हित चिंतक पखवाड़ा सदस्यता अभियान मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में कैंप लगाकर अध्यापक एवं छात्र छात्राओं को विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनाया गया, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रसार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का हिंदुओं के लिए संगठन है। वर्तमान चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने काम के साथ हिंदू समाज की विराट शक्ति को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने संपर्क कर एक पखवाड़े का हित चिंतक महाअभियान चला रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर हिंदू को हिंदू समाज के काम से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याणार्थ हिंदू जीवन मूल्यों के प्रति अटूट आस्था रखने वाली अजय हिंदू शक्ति खड़ा करने के लिए हिंदू समाज के संगठन और जागरण के लिए विगत 58 वर्ष से कर्मरत विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक हिंदू जन तक संपर्क करने का महाअभियान है। हिंदू हित चिंतक महाअभियान में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों समेत कुल 449 लोग हित चिंतक बने। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कोषाध्यक्ष डॉक्टर आर पी शुक्ल, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका रानी शाहनी, प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख शीतल, प्रांत विशेष संपर्क डॉक्टर डी के सिंह, दुर्गा वाहिनी की रागनी तिवारी, प्रिया रोशनी, रियांश गोपाल निषाद, जिला संयोजक नवीन पांडे, राहुल गुप्ता, देवीलाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, पता क्या बैठ गए बाबू की इन इन बिंदुओं को लेकर के हम समाज के बीच में तीन बार जाते हैं और समाज को जोड़ते हैं। आने वाले समय में आप संगठन से जुड़ के भी या बिना जुड़े भी हिंदू समाज के काम करते हैं। 20 रुपये का सदस्य कहाँ रहते हैं छोटी वो दफा उड़ के आगे उठा लो रानी निशा की है प्रांत की संयोजिका है और वो जो बिहार बस स्टैंड बना है मोबाइल नंबर बताइए मोबाइल नंबर दुर्गेश त्रिपाठी। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद जो समस्त हिंदू समाज को अपना सदस्य मानती है, वर्ष भर में तीन बार, हर तीन वर्ष पर एक बार वो समाज में जा कर के हिंदू हित चिंतकों की भर्ती का अभियान चलाती है। इसके द्वारा वो हिंदू हितों की चिंता करने वाले ऐसे बंधु को खुशी है जो आगे आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता बन के या हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए अपने स्थान पर रहकर कार्य करेंगे। वही सदस्य अभियान ये महानगर में चल रहा है, जिसका उद्घाटन पूरे भारतवर्ष में 6 तारीख को हुआ है और इसका समापन 20 तारीख को पूरे भारतवर्ष में हो गया। इसलिए लिमिटेड समय के लिए आप ये चल रहा है और इस क्रम में आज हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय पर जो नौजवानों का एक क्षेत्र है, एक स्थान है, यहाँ पर नौजवानों की भर्ती के लिए हम लोग यहाँ पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी तक कितना सदस्य बना? अभी तक गोरखपुर महानगर में 5,000 सदस्य की जानकारी है, क्योंकि नित्य प्रतिदिन चल रहा है, मोहल्लों में चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर चल रहा है, तो अभी पूरी योजना जानकारी जो है वो 20 तारीख को एक संकलित हो पाएगी। लेकिन पूरे प्रांत में स्वतः प्रेरणा से लोग जुड़ रहे हैं, लोग खोज खोज के जुड़ रहे हैं, जैसा आज यहाँ भी आप देखे होंगे लोग स्वतः प्रेरणा से जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना।
मठ मंदिरों के प्रति उनके श्रद्धा भाव को उत्पन्न करना, लव जिहाद लैंड जिहाद का जो विषय है उसके प्रति जागरूकता करना, गौ रक्षा के प्रति जागरूक करना, बहन बेटियों के सम्मान के प्रति जागरूक करना, ऐसे तमाम विषयों के प्रति जागरूक करना, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद अनाथालय प्लेटफॉर्म विद्यालय ऐसे बहुत से ऐसे सेवा के कार्य करती है, उनकी जानकारी लोगों तक पहुँचाना, इस माध्यम से हम लोग ये कार्य करते हैं।